हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। दो स्क्वायर है, सबसे पहले आप ये जानिए क्वेश्चन के हिसाब से दो स्क्वायर है, ठीक। और दोनों स्क्वायर का जो साइड है वो डिफरेंट है, ये भी आपको एक चीज बताया था हमें, सेम नहीं है, ठीक है ना। कोई आपको रेक्टेंगल टाइप इसमें दिख रहा होगा तो उसको सपोज कर लीजिए कि स्क्वायर है, ठीक है ना। तो फिगर बोर्ड पे करेक्ट नहीं बोल रहा, दो स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छे समझिएगा, मान लेता हूं इसका जो साइड है पहले वाला का एक्स मीटर है, ठीक है ना। एक्स मीटर, ये भी एक्स मीटर, ये भी एक्स मीटर, ये भी एक्स मीटर, और इसका मान लेता हूं वाई मीटर, वाई मीटर, वाई मीटर, y मीटर, y मीटर, ठीक। तो बिना फिगर के क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, बोला है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है ना। अच्छे समझिएगा, दो स्क्वायर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जिसका एक का साइड x मीटर है, ठीक है ना, और इसका वाला जो साइड है वो y मीटर, ठीक है ना। सपोज किया हमने इन दोनों स्क्वायर्स का जो एरिया है उसका जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। कैसे, देखिए, जैसे आप जानते ही होंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। कोई भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालता है, ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, इसमें जो चारों साइड है वो इक्वल रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपको जहां पास भी कंफ्यूजन लगे तो कुल मिला के देखिए, इसको सपोज कर लीजिए लेंथ, जैसे रेक्टेंगल में होता है ना, अभी इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं होता है, चारों साइड इक्वल होता है। लेकिन आपको समझाने के लिए, चूंकि पता भी होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड इनटू साइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास साइड क्या है, एक्स मीटर है, यहाँ पास साइड एक्स मीटर है, तो एक्स मीटर इंटू एक्स मीटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस स्क्वायर का अगर एरिया निकाला जाए तो क्या होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीटर। कोई दिक्कत भाई, जिसका साइड एक्स मीटर है, कोई भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, उसका अगर साइड एक्स मीटर है तो उसका एरिया एक्स स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर मीटर, ठीक, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर मीटर। वही बोल रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ, जो एरियाज है ना ये दोनों स्क्वायर के, ठीक है ना, एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, ठीक ना, दो स्क्वायर से उनका एरियाज का जो सम है, जैसे इसका एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इस वाले का कितना एरियाज है वाई स्क्वायर, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है 468 मीटर स्क्वायर के, ठीक है ना। यानी सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वल टू कहने का मतलब ये है, यहाँ पास इक्वल टू लगा दिए इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ पास क्वेश्चन में गिवन डाटा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे करना है, ये क्या है, पहले वाले का एरिया है, पहले वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया है, और ये दूसरे वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया है। इन दोनों का एरिया का स्क्वायर, मतलब एरिया का जो सम है, ठीक है ना, ये दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उसका सम, सम यानी प्लस, वो है 468 मीटर स्क्वायर। अब यहां थोड़ा मैं इसको थोड़ा उल्टे ढंग से कर रहा हूं ना। अब यहां थोड़ा सपोज कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्या चीज, पहले लेट द, उस एक मिनट थोड़ा पढ़ लेता हूं। बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, मतलब साइड बताना, ठीक है ना। आपको सपोज करना है, सपोज कर लेना है, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स मीटर, ठीक, एंड
द साइड ऑफ सेकेंड, ये जो दूसरा वाला है ठीक है ना, स्क्वायर बी वाई मीटर ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते, क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया का जो सम है वो है इतना, मतलब 468 मीटर स्क्वायर ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है ना। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया एक आपका इक्वेशन ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन वन भी ले सकते हैं ठीक। और दूसरा बोल रहा है द इफ यदि ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, डिफरेंस यानी दोनों में अंतर माइनस कर देंगे ठीक है ना। जैसे आपको मैं समझाता हूं, अब ये बताइए जो पहला वाला स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है ठीक है ना, वो होता है 4 इंटू साइड, तो साइड क्या है एक्स मीटर, तो हो जाएगा 4 इंटू साइड एक्स मीटर है तो 4x मीटर हो जाएगा ठीक है ना। इसका पेरीमीटर क्या होगा 4x मीटर ठीक, और इस वाले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई मीटर, सॉरी 4y मीटर होगा ठीक है ना, 4y मीटर ठीक है, 4y मीटर यूनिट वाला है ठीक है ना, ये यूनिट वाला है ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ठीक है ना क्या बोल रहा है कि इनका जो पेरीमीटर है यानी इस वाले का पेरीमीटर और इस वाले का पेरीमीटर, इस वाले का पेरीमीटर कितना है 4x ठीक है ना, और इस वाले का है 4y ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है बीच में माइनस साइन लगा दीजिए ठीक है ना, क्योंकि पहले वाला जो स्क्वायर है और दूसरे वाला स्क्वायर है उन दोनों का जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है ठीक है ना वो है 24 मीटर ठीक है ना, कितना है 24 मीटर, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या कीजिए इक्वेशन टू को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, अभी इक्वेशन टू ना लिखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए कैसे इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिंप्लीफाई मतलब क्या, इसमें 4 कॉमन दिख रहा है तो उधर जाके डिवाइड कर दूंगा ठीक है ना, तो आपका जो इक्वेशन टू होगा थोड़ा और छोटा हो जाएगा ठीक है ना। देखिए इसमें इसमें क्या कीजिए आप 4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यही 4 कॉमन उधर भेजेंगे तो इसको डिवाइड होगा मतलब 24 को डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 6 मीटर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इक्वेशन टू ले लीजिए, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो यूनिट मिटा देते हैं ठीक है ना, लास्ट में हम यूनिट लिख देंगे आंसर में ठीक है ना, यूनिट में इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए ठीक है ना, थोड़ा फीलिंग आए ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में यूनिट नहीं लिखते हैं सॉल्व करने के बाद ही लिखते हैं ठीक। इन दोनों का जो स्क्वायर है वो है 468 मीटर स्क्वायर ठीक है ना, और इन दोनों का है 6 मीटर ठीक है, लिख भी सकते हैं लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ना लिखिए क्योंकि अब इसको सॉल्व करने वाले हैं ठीक है ना। चलिए अब क्या कीजिए इक्वेशन टू का जो वैल्यू है, जैसे और इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या होगा अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो और कर सकते हैं, क्या कीजिए जो माइनस वाई है उसको उधर भेज दीजिए, ये जो माइनस वाई है ना वो इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा यानी एक्स इक्वल टू 6 प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन टू, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जितना छोटा है आप कर सकते हैं ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज है उसको जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कर लीजिए, मैथ में एकदम छोटा करके ही लिखा जाता है ठीक है ना। इसको हमने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स का वैल्यू आ गया 6 प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, इसी को ले लीजिए आप इक्वेशन टू ठीक है ना, इसको भी आप इक्वेशन टू ले सकते हैं, और इसका एक्स का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना होता है, जितना छोटा रहेगा उतना सही रहेगा सॉल्व करने में ठीक है ना। ये इक्वेशन टू का जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, कैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन टू का वैल्यू क्या है यानी एक्स का जो वैल्यू है इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, देखिए कैसे। अब जैसे इक्वेशन वन क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ठीक है ना,
उसी फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पास हो जाएगा 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर, यहां पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, इस वाले को इधर शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा माइनस 468 इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक, 12y प्लस 12y। अब यहां पास 36 है तो इस 36 को और इसको सॉल्व कीजिए तो 468 में जब 36 है माइनस होगा, ठीक ना, माइनस ही करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो यहां पास हो जाएगा आपका 2, यहां पास हो जाएगा 3, यहां पास हो जाएगा 4, आएगा 432 इक्वल टू जीरो। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो 0 में डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया है, बस 2 कॉमन लिया है और ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। यही इक्वेशन मैं यहां पास लिख देता हूं, है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। एक मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। यही इक्वेशन को मैं यहां पास लिखता हूं, वो है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू जीरो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें से क्या किया हूं, 2 कॉमन लिया हूं, कुछ नहीं किया हूं, और उसको आरएचएस साइड शिफ्ट कर दिया हूं, तो 0 आरएचएस साइड है तो उसमें कोई नंबर का डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ठीक है ना, इसको आप या तो फैक्टराइजेशन की मदद से ब्रेक करके इसको y का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है ना, जैसे फैक्टराइज करते हैं नॉर्मल फैक्टराइज वैसे कर दीजिए, या फिर आपको फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कीजिए, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको ब्रेक करके y का वैल्यू ला दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन तो सबसे बनता होगा, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज आसानी से कर लेंगे जो नॉर्मल फैक्टराइज होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, इसका और इसका जो मल्टीप्लाई होता है उसको एक साइड लिखते हैं, लिखते नहीं मतलब दिमाग में रखते हैं, और इसको इस तरह से ब्रेक किया जाता है कि इसको जब कैलकुलेट करें तो 6y आए, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करें वो इसका और इसका जो मल्टीपल है उसके साथ इक्वल हो जाए, इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन बोलते हैं, मतलब नॉर्मल यानी क्या, उसको लगभग सभी लोग उसी करते हैं। अब क्या करता हूं, मैं इसको फॉर्मूला बेस पर कर देता हूं, ठीक है ना, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा उन्होंने कैसे फॉर्मूला से करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे यहां पास ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, यहां पास सबसे पहले आप लिख लीजिए, जैसे हियर ए इज इक्वल टू, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही रहे, ठीक है ना, यहाँ पास कोई भी वेरिएबल होता है, ए बी सी, ठीक है ना, ए जो है कोफिशियंट ऑफ इस वाले टर्म का कोफिशियंट है, बी वाई का कोफिशियंट है और सी एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पास ए हमारा 1 हो जाएगा, बी जो होगा वो हो जाएगा 6 और जो सी होगा वो हो जाएगा माइनस 216। सॉरी, अब यहां पास फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमको y का वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन में 2a, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर आप ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप पास में रख के दिखाता हूँ, वाई इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है, सिक्स है, माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac, 4 × 1 और c का वैल्यू इतना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 16 × 64, 4 × 8, 864 हो जाएगा। इसके होल अकाउंट में क्या है, 2a यानी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ को 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइक में चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, जो अंडर रूट 36 प्लस 864 है, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, 800 आएगा, और 900 अंडर रूट में आता है तो वो होता है 30, ठीक है ना। इसका वैल्यू आएगा, वो आएगा 30 भी आएगा और क्या आएगा, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस 30 अपॉन में 2, ठीक है ना, अपॉन में 2। एक बार पॉजिटिव में ले लीजिए, एक बार निगेटिव में। पॉजिटिव यानी क्या, यहाँ पास 2 प्लस माइनस है, एक बार प्लस में ले लीजिए, यहाँ एक बार निगेटिव। जैसे मैं यहाँ पास प्लस वाला ले रहा हूँ, इधर मैं निगेटिव वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस 30 अपॉन में 2, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 30 में 6 जाएगा 24, 24 अपॉन में 2 12 हो जाएगा, 12 मीटर आएगा, 12 मीटर। तो नेगेटिव वाला सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 30 अपॉन में 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 36 18 आ जाएगा, देना वो भी माइनस में आएगा, माइनस 18, ठीक, 18 × 36, ठीक है ना, माइनस 18 आएगा, ठीक, माइनस 18 मीटर। अब देखिए यहां पास पूछा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, तो जो साइड होता है कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, साइड एरिया लेंथ ब्रेथ ये सब निगेटिव में नहीं होते हैं। तो यहाँ पास 2y का वैल्यू आया है, एक आया है माइनस 18 मीटर, तो ये निगेटिव है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे y का वैल्यू जो 12 मीटर है, ठीक है ना, इसको हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो y का वैल्यू आएगा 12 मीटर। हमको पूछा क्या था, लेट द, एक मिनट ना, हमने लेट क्या कहता, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर, मतलब जो पहले वाला स्क्वायर था उसका जो साइड था वो क्या था, x मीटर था, ठीक है ना, और दूसरे वाला का वाई मीटर था, ठीक है ना। तो एक जो हमने इसका लेट किया था, इसका हमको साइड मिल गया, कितना मिल गया, मतलब इसका जो आंसर है वो मिल गया हमको 12 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पास आप लिखिएगा जब हेंस करके, एक मिनट मैं मिटा कर लिख देता हूं अच्छे से, इसको आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ गलत कर दिया क्या, यहाँ पास एक इक्वेशन बनाया था उसको मिटा दिया लग रहा है, वाई का वैल्यू पुट भी करना रहा इसमें, क्या इक्वेशन बनाया था मैं, वो खुद ही भूल गया क्या। यहाँ पास एक इक्वेशन मेरे को याद आ रहा है, एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस वाई था ना, ये मेरे को इक्वेशन याद आ रहा है, इसको रहने देते हैं अभी, बाकी इस पहले वाले को मिटा देते हैं, ठीक, इतना काफी है, ठीक है ना। अभी हमको जो सेकेंड वाला फिगर है उसका एरिया मिला है, ठीक है ना, इसका जो एरिया है वो मिला है, एरिया बोल दिया मैं, इसका जो साइड है वो मिला है, ठीक है ना। यानी यहाँ पास आप लिखिएगा, एक अभी पूरा नहीं लिखना है, मतलब पूरा भी सॉल्व नहीं किया, पहले वाले का निकालना है, ठीक है ना, दूसरे वाले का आंसर आ गया है,
तो एक काम करता हूँ, दूसरे वाला का पहले वाला का भी निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो पहले वाला निकालने के लिए जो y का वैल्यू है इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 3, ठीक है ना। आप पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू 6 प्लस 12, x इक्वल टू आ जाएगा 18 मीटर, ठीक है ना। अब यहां पास आप फेंस करके लिख दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। आप लिखिए कैसे कि द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स दिस इज 12 मीटर, एक का 12 मीटर है और दूसरे वाला का भी 18 मीटर, ठीक है ना। 12 मीटर एंड 18 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एक का 12 मीटर है और दूसरे वाला जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो है 18 मीटर, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पास एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसका जो साइड आया है वो है 12 मीटर और इसका 18 मीटर, तो इसका जो साइड है वो बड़ा है और इसका छोटा है, तो इस चीज पर ना जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये हम लेट किए हैं, ठीक है ना। हमको मालूम थोड़ी धाम तो लेट करके चले थे ना, ठीक है ना। लेट करके चले थे और आंसर भी आ गया, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना है, स्क्रीन शॉट देना चाहे तो ले सकते हैं, देख लीजिए स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।